कृषि मंत्री कमल पटेल ने कोरोना काल के बीच एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने उपार्जन कार्य के दौरान कोरोना संक्रमण के निधन हुए कर्मचारियों के परिवारजनों को 25 लाख रुपए सहायता निधि दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड और समितियों के कर्मचारियों की कोरोना से हुई मृत्यु पर उनके परिजनों को 25 लाख की सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि 1 अप्रैल से अभी तक कोरोना से हुई 31 कर्मियों के निधन को भी इसमें शामिल किया गया है। मंडी बोर्ड के प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को एक समान सहायता निधि दी जाएगी। मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मेरे कृषि उपज मंडियों में किसानों की फसल की नीलामी कराना, उनकी फसल बिकवाना, उनकी सारी व्यवस्था करने में मंडी समिति और मंडी बोर्ड के कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि देश के लिए और किसानों के हित में बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना के इस महासंकट काल में वो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं, और सेवाएं देते देते वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और उससे हमारे 31 मंडी समिति के कर्मचारी और अधिकारियों की दुखद निधन हो गया है। मेरे 31 ही मंडी समिति के कर्मचारियों और प्रदेश में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनके प्रति समय दुख व्यक्त करता हूं और परिवार को संबल देने के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक हैं। मंडी बोर्ड ने सारे कर्मचारियों के इलाज के लिए एडवांस पैसे देने की व्यवस्था की। जितने भी पैसे लगेंगे मंडी बोर्ड उनका उपचार कराएगा। उसके बावजूद भी जिन लोगों का निधन हुआ है, 31 परिवार, वो इस समय संकट में है, और इसलिए मैं मंडी बोर्ड का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मंडी बोर्ड निधि से 25-25 लाख रुपए सभी मृतक परिवार के सदस्यों को संबल देने के लिए, सहायता देने के लिए सहायता की घोषणा करता हूँ। और मंडी बोर्ड से तत्काल निर्देशित कर रहा हूँ MD को कि उनके प्रकरण बनाकर सभी के यहाँ 25-25 लाख रुपए भिजवा दें, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे तृतीय श्रेणी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी हो या प्रथम श्रेणी, सभी के लिए 25-25 लाख जो 31 लोग, और 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।